कर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा اللهم صل على محمد وآل محمد مؤمنین جو حضرات باہر ہیں وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اندر تشریف لائیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا جا سکے بار دیگر بار محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد میں برادر حسن میرزا خان سے گزارش کروں گی کہ سرور سالار شهیدان کربلا عبدالله حسین اجماعا صلوات اللهم صل محمد وآل محمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ألم نشرع عليك سمعاً ومزجنا أنك بضعاً برادر میرزا خان اب میں
गुजारिश करूँगा डॉक्टर सैयद रजा हुसैन साहब से कि वो मिंबर पर तशरीफ आएं और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौलवी निगरान आपकी जानिब से अपनी जानिब से एक कलाम नज़रे आका अलैहिस्सलाम करना चाहूँगा। आप आवाज़ बुलंद सलवात कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। आगाज कर रहा हूँ लेकर खुदा का नाम। आगाज कर रहा हूँ लेकर खुदा का नाम। बात अस खुदा है सबसे बड़ा मुस्तफ़ा का नाम। फिर मोहतरम है फातिमा और मुर्तज़ा का नाम। आता है फिर जनाबे हसन मुज्तबा का नाम। बुनियादे ला इला जो आली मकाम है। बुनियाद ला इला जो आली मकाम है। पढ़िए दरूद मिलकर हुसैन उसका नाम है। जिसका तवाफ करती है अजमत वही हुसैन। जिसका तवाफ करती है अजमत वही हुसैन। खुद जिसके नाज उठाती है जन्नत वही हुसैन। कदमों को जिसके छूती है इज्जत वही हुसैन। और जिसकी मलाइका करे खिदमत वही हुसैन। पाला हुआ अलियो जनाबे बतूल का। पाला हुआ अलियो जनाबे बतूल का। है हश्र तक वो दहर में वारिस रसूल का। लेकर रवा है दीन की वशअल हुसैनियत। लेकर रवा है दीन की वशअल हुसैनियत। दुख में घिरी हुई है मसलसल हुसैनियत। अब तक है सुरखरु सरे मक्तल हुसैनियत। है एक इनकलाबे मुसलसल हुसैनियत। ऐसा कोई नहीं है बशर इस जमीन पर। ऐसा कोई नहीं है बशर इस जमीन पर। लिखे न शाह का नाम जो अपनी जमीन पर। जिंदा इसी लिए है जमाने में करबला। पास पे गौर फरमाइएगा। खुदा आपकी इबादत कबूल करवा दे। जिंदा इसीलिए है जमाने में करबला। वो चाहते हैं देखें कि है कौन बाबा। देता है कौन खून का हदिया सरे वगा। होता है कौन कुफर से फिर पंजा आजबा। हमको है फकर मंजिले हक से हटे नहीं। हमको है फकर मंजिले हक से हटे नहीं। हमने भी सर कटा दिए लेकिन झुके नहीं। आओ तमाम दहर को मिलकर बताएं हम। आओ तमाम दहर को मिलकर बताएं हम। है करबला से खौफ ज़दा लश्करे सितम। इंसानियत का विरसा है इब्ने अली का गम। और कायम इसी से हजरत आदम का है वहम। जिंदा है जिससे रूहे नबूवत हुसैन है। जिंदा है जिससे रूहे नबूवत हुसैन है। सब जान ले कि मरकज़े वहदत हुसैन है।
हरे सर पे जिनके ताजे शहादत उन्हें सलाम। आपके अल्फाज का भी सहमत को दवा करता हूँ। है सर पे जिनके ताजे शहादत उन्हें सलाम। अफराद हैं जो शामिल इतरत उन्हें सलाम। अब तक जिन्होंने की नहीं बायत उन्हें सलाम। है जिनका जिक्र ताबा कयामत उन्हें सलाम। सरमाया यकीन रगो पै में भर गए, सरमाया यकीन रगो पै में भर गए, महशर को सबकी रूह में आबाद कर गए। और जिंदा है जिससे रूहे नबूवत हुसैन है, जिंदा है जिससे रूहे नबूवत हुसैन है, सब जान ले के मरकज़े वहदत हुसैन है। सलवात माशाल्लाह। ये थे डॉक्टर सैयद रज़ा हुसैन साहब, बारे दीगर पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अब मैं जनाब तौफीक नकवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो और मेंबर पर तशरीफ लाएं और जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का। मगर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। ये सोचता हूँ कि आबद का हाल क्या सोचता हूं कि आबिद का हाल क्या होगा, असीर हो जब शाम में गया होगा, ये सोचता सुना जाते ही खून रोने लगा, न जाने शिम्र ने उस वक्त क्या गले के ताकने आबिद को क्या झुकाना था, वो अपने खो होगा।
بر محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان کریں سب مل کے نعرہ صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد ایک بار پھر صلوات اللهم صل على محمد و آل محمد سجاد کی آنکھوں کو سجاد کی آنکھوں کو منظر نہیں بھولا سجاد کی آنکھوں کو منظر نہیں بھولا زینب کی وہ اتری منظر نہیں بھولا زینب کی وہ اتری ہوئی زینب کی وہ اتری ہوئی چادر نہیں بھولا سجاد کی آنکھوں سجاد کو کچھ یاد نہیں اپنی اذیت ہائے سجاد کو کچھ یاد کٹتا ہوا بابا کا مگر کٹتا ہوا بابا کا مگر سر نہیں بھولا سجاد کی آنکھوں منظر نہیں بھولا سجاد کی آنکھوں کرتا ہے کٹی باہوں کی تقدیر پہ ماتم دیر پہ ماتم عباس گرے کیسے عباس گرے کیسے زمین پر نہیں بھولا سجاد کی آنکھوں کو منظر نہیں بھولا سجاد کی آنکھوں کو
क्यों कम न शब रोज रहो आंख से रोता है, क्यों कर न शब रोज रहो आंख से रोता। गर्दन पे वो चलता सजाद की आंखों को ये मंजर नहीं भूला, ज़ैनब की वो उतरी सजाद की आंखों को मंजर नहीं भूला, सजाद की आंखों। और शरायत शहजाद अली साहब, अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब हुसैन दाग साहब के वो तशरीफ पाएं और जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान करें। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। घर लौट के घर में बहला दिया, किस तरह जलाया ज़ैनब ने। घर लौट के घर चलाया ज़ैनब ने।
हुसैनियत जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद
यजीदियत मुर्दाबाद हर मोहम्मद और मोहम्मद बुलंद तक सलावत साहिब दायरतुल वजूद व साहिब मकामिल महमूद साहिब वकार सकीना अल मदफूनो बिल अर्ज़ मदीना साहिब कौकब दुर्री व साहिब लिवा अल हम्द सुम्मा सलातु व सलामु अला सैयदना व सानिदना व हबीबना व शफी ज़ुनूबना व तबीब कुलूबना अबिल कौसम मुहम्मद मोहिबान नबी वहल बैत नबी हुक्दारान रसूल वहल बैत रसूल मेरे इंतहाई काबिल एहतराम आज़ादारान इमाम मज़लूम करबला, दुआ है कि आले मोहम्मद का अजीम खालिक हमारी इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूल रब्बर हुसैन बहकल हुसैन जितने भी हाथ जिक्र हुसैन में मांगने के लिए आए हैं सखी अब्बास के कटे हुए हाथों का वास्ता इस इज्जत वाली तहलील से कोई भी खाली हाथ वापस ले मौला तमाम मोमिनीन की तौफीकात में इजाफा फरमाए मेरा मालिक अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले को किसी का मोहताज न फरमाए अहले बैत के पैरोकारों की पूरी दुनिया में मेरा मालिक मुहाफजत फरमाए हर शिया को ज़ाहिर हुसैन बनाए हर शिया की मगफरत फरमाए मरने से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाए कब्र में मौला की ज़ियारत नसीब फरमाए हशर में रसूल की शफाअत नसीब फरमाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अदादारों में से माशूर फरमाए तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए ज़रूर सारे हज़रात मिल के बाबा से बुलंद सिलसिला गुफ्तगू यकीनन अज़हान आलिया में महफूज होगा। गुफ्तगू हो रही है इस्लाम के दो चेहरों के, इस्लाम में एक चेहरा नहीं इस्लाम दो चेहरे रखता है और आज तक इस्लाम बदनाम उसी एक चेहरे की वजह से हो रहा है जिसने इस्लाम की हकीकत को नुकसान पहुंचाया। आज पूरी दुनिया में मुसलमान को दहशतगर्द समझा जाता है, दाढ़ी दीन की अलामत थी, दहशतगर्द की पहचान बन गई, कलमा इंसानियत की बुनियाद थी, आज दहशतगर्द की पहचान हो गई। आज पूरी दुनिया में गैर मुस्लिम मुसलमान को नफरत की निगाह से इसलिए देख रहा है कि मुसलमान की हिस्ट्री और मुसलमान की तारीख ने जो मुसलमान हीरो और जो मुसलमान चेहरों का दुनिया के सामने तारुफ करवाया दरअसल वो इस्लाम के पसंदीदा लोग नहीं थे। ये वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम को नुकसान पहुंचाया था। इसलिए जब गैर मुस्लिम हमारी मुसलमानों की हिस्ट्री को पढ़ना चाहता है तो बदकिस्मती से जो हिस्ट्री उस तक पहुंची है वो उसके जरिए से आज के मुसलमानों को देखता है।
हम उसके पड़ोस में जितना मर्जी अखलाक का मुजाहिरा करें, लेकिन वो ये समझता है कि ये उसी के फॉलोअर है, ये उसी की इत्तबा कर रहे हैं जिन्होंने गर्दनें काटी थी, जिन्होंने खोपड़ियों के मीनार बनाए थे, जिन्होंने इंसानी खून के गारे के साथ दीवारें तामीर की थी, और बदकिस्मती से मौर्रखीन ने उन्हें इस्लाम का हीरो कहा था, उन्हें फातिहे इस्लाम कहा था। अगर सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया था तो वो किसी खजाने की तलाश में तोड़ा गया था। अगर किसी जगह पे किसी जागीर को कब्जा किया गया था तो वहां इस्लाम आजाद करवाने के लिए नहीं, वहां उस जागीर पे कब्जा करने के लिए। और कभी भी कब्जा करने वालों को इस्लाम इज्जत नहीं देता, कभी भी काबिज को इस्लाम हुक्मरानी नहीं देता। खुदा ने कुरान में कहा है कि मैंने इज्जत दी है उन लोगों को जो इज्जत के लायक। खुदा ने कुरान में इसीलिए दो शजरों का तारुफ करवा दिया था। खुदा ने कहा अगर शजराए तैयबा है तो फिर शजराए खबीसा भी है, अगर पाक शजरा है तो फिर शजराए मलऊना भी। खुदा ने एक शजरे को तैयबा शजरा कहा और खुदा ने कहा इसकी असल बड़ी मजबूत है, और ये वो शजरा है कि इसकी फरा इसकी शाखे आसमानों तक पहुंची और इसका फल हर दौर में फल देता है। वाँ वाँ वाँ। और जो शजरा मलाऊना है खुदा ने कहा मैं भी उस पे लानत करता हूं। और इंसानियत में मुसलमानों की हां बदतरीन तहजीब ये उभर के सामने आई कि जब शजरा तैयबा को शजरा मलाऊना से मिला दिया गया। और आज का मुसलमान जब तारीख में उसने मुख्तलिफ किरदार देखे तो वो इस पोजीशन में नहीं था कि उसे पता चले कि इसमें शजराए तैयबा वाले कौन और शजराए मलाऊना वाले कौन हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, मैं यहाँ नावल की से कहानियां तो सुनाने के लिए नहीं आया, चंद चेहरों की परेशानियों को मैं बड़े दिनों से भाप भी रहा हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं लोगों को राजी करने से पहले वक्त के इमाम को राजी करना चाहता हूँ। जो मेंबर पे एक असर देता है, कानों में की हुई गुफ्तगू को हम मेंबर पे भी सुन लेते हैं कि जब कोई महफिल में बैठ के दूसरे के कान पे कुछ कहता है तो गुजारिश है मेरी उन लोगों से बराए करम मेरी तकरीर के मुताबिक जो भी सवाल आप मुझसे पूछने का हक रखते हैं, आपको मुतमिन करना मेरा हक बनता है। लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि आपकी दाद की तवक्को पे बेशक पूरा ना उतरूं, लेकिन कोई मैसेज आपकी नस्लों तक, क्योंकि मैंने कल की गुफ्तगू में भी कहा था कि मेरी नस्लें ये तारीख कहां से पढ़ेंगी, इन्हें ये हिस्ट्री कहां से मिलेगी। आप बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेज देते, उसे इस्लाम की हकीकी तारीख पढ़ाने के लिए कहां भेजेंगे। और ये वो मौजूआत हैं जिसको मिंबर से इसलिए नहीं पढ़ा जाता, ये वो मौजूआत हैं जिनका दाद से कोई ताल्लुक नहीं। हमारी मजबूरी है कि हमारे यहाँ मजलिस का मियार दाद के जरिए से परखा जाता है, कितनी दाद मिली, कितनी वाह वाह हुई, कितने नारे लगे। लिहाजा इस वजह से खुतबा वाइजीन परहेज करते हैं ऐसे मौजूआत कि ऐसा मौजू पढ़े ही ना जिसमें दाद ना दे। लेकिन मैंने कोशिश की है कि इन दिनों में इस मौजू को आप तक पहुंचाऊं और बातरीके आसान। दो शजरे हैं, एक शजराए तैयबा है और एक शजराए मलऊना है। शजराए तैयबा वो पाक शजरा है जो खुदा ने हदायत के लिए यहाँ भेजा, शजराए मलऊना ने हर दौर में कोशिश की है कि वो शजराए तैयबा के असर को खत्म करे। शजरा तैयबा की हिफाजत रहमान के जिम्मे है, शजरा मलाऊना की हिफाजत शैतान के जिम्मे है। वहां शैतानियत के नुमाइंदे उतरते रहे, यहां रहमानियत के नुमाइंदे। थोड़ी सी गहराई में जाऊंगा, शजरा तैयबा को खुदा ने जब इंसानियत की हदायत के लिए जमीन पे उतारा तो पहला हादी आदम बनाया, आदम के बाद फिर ये शजरा तैयबा शुरू हो गया। आदम के बाद शीस आ गए, शीस के बाद अनोश आ गए, अनोश के बाद किनान आ गए, किनान के बाद महलाइल आ गए, महलाइल के बाद बाजर आ गए, बाजर के बाद अदरीस आ गए, अदरीस के बाद अखनूब आ गए, अखनूब के बाद मसलोशत आ गए, मसलोशत के बाद मल्क आ गए, मल्क के बाद नूह आ गए, नूह के बाद शाम आ गया, शाम के बाद अरफक्षद आ गए, अरफक्षद के बाद शालत आ गए, शालत के बाद आबर आ गए,
आपर के बाद फालिग आ गए, फालिग के बाद अरबो आए, अरबो के बाद तारिक है, तारिक के बाद इब्राहिम है, इब्राहिम के बाद इस्माइल है, इस्माइल के बाद किदार है, किदार के बाद बेत है, बेत के बाद हमल है, हमल के बाद यस है, यस के बाद यमसई है, यमसई के बाद आद है, आद के बाद अदनान है, अदनान के बाद मुआद है, मुआद के बाद मुदरका है, मुदरका के बाद खुदैमा है, खुदैमा के बाद कनाना है, कनाना के बाद नजर है, नजर के बाद मालिक है, मालिक के बाद गाब है, गाब के बाद फहर है, फहर के बाद नबी है, नबी के बाद काब है, काब के बाद कलाम है, कलाम के बाद ज़ैद है, ज़ैद के बाद कसा है, कसा के बाद अब्द मनाफ। इस्माइल और जनाब इसहाक, दोनों में नबूवत है। जनाब इसहाक की नस्ल से 4414 नबूवतें उतारी। जनाब इस्माइल की नस्ल में कोई और नबी नहीं, क्योंकि जो जनाब इस्माइल की नस्ल में आ रहा था वो सबका सरदार आ रहा था। मैं थोड़ी तारीख की धांधली आज की मैंने गुफ्तगू में आपके सामने वाज़े कर। जब अब्द मनाफ तक ये शजरा पहुंच गया तो अब क्या, अब तारीख ने हमें एक मंजर दिखाया। उसे क्या हुआ, ये कि अब्द मनाफ के हां बेटे पैदा हुए, जुड़वा बच्चे थे, एक का नाम हाशिम था, एक का नाम अब्दुल शम्स था। कुछ किताबें कहती हैं कि उनकी कमरे आपस में जुड़ी हुई थी, कुछ रवायात कहती नहीं, हाशिम का पांव शम्स की पेशानी पे जुड़ा हुआ था। दोनों को तलवार के साथ जुदा किया। जब दोनों को तलवार के साथ अलहदा किया तो उस दौर के नजूमियों ने और काहिनों ने यह खबर मशहूर कर दी कि इन दो खानदानों के दरमियान हमेशा तलवार रहेगी, अल्लाह हमेशा दुश्मनी रहेगी। लिहाजा शम्स के बाद हर्ब आ गए, हर्ब का बेटा उमैया आ गया, इधर हाशिम के बाद अब्दुल मुत्तलब आ गए और अब्दुल मुत्तलब के बाद अब्दुल्ला, इधर कायनात का रसूल आ गया, उधर अबू सुफियान आ गया, इधर माविया आ गया, उधर अली आ गया। उधर यजीद आ गए, यजीद आया, इधर हसन और हुसैन आ गए। अब तारीख ने एक बदनुमा दियानती बददियानती की जिसकी मैं वजाहत करना चाहूं। उन्होंने कहा क्योंकि ये दो खानदान एक थे, लिहाजा रिसालत माब की अगर दुश्मनी अबू सुफियान से थी तो वो रिश्ते में चचा लगते थे, और अगर इमाम अमीरुल मोमिनीन की माविया के साथ जंगें हुई थी तो ये भी रिश्तेदार थे, आपस में चचाजाद भाई थे, और आगे अगर यजीद और इमाम हुसैन के दरमियान जंग हुई है तो फिर ये भी तो रिश्तेदारी थी, लिहाजा रिश्तेदारी का मामला है, हमें क्या जरूरत है कि हम फैसला करें कौन ठीक था और कौन गलत। आज के मिंबर की जिम्मेदारी है इस बात की वजाहत की जाए, और वल्लाह बखुदा मैं मिंबर हुसैन पे कह रहा हूं ये हकायक तारीख से निकालने के लिए दांतों को पसीना आता है। और कोशिश ये नहीं है कि आप दांत दें, सिर्फ चेहरा इस तरह रखें कि मुझे पता चले कि मेरी बात आप तक पहुंच रही है। खुशी से कबूल किबला, मैं मिंबर पे पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात की इनकार करता हूं कि अब्दुल शम्स के बाद जो अरब और उमैया आए, उमैया जो था वो शम्स का बेटा नहीं था। अब्दुल शम्स का ना कोई बेटा था ना ही कोई बेटी थी, बेशक वो बेऔलाद थे, बेशक। अब सवाल मुझसे कीजिए तारीख का तालिब इल्म होने की हैसियत से, फिर साहिब आप हमें बताइए उमैया कहां से आया। अरब में एक मेला लगता था जिसे कहा जाता था अक्काज का मेला, ये अरब का मशहूर मेला होता था, तजारती लिहाज से भी, सकाफती लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी, अदबी लिहाज से भी, रेशम से लेके खद्दर तक भी वहां मिल जाता था, ऊंट से लेके बकरी तक की खरीदो फरोख्त भी वहां होती थी, जो से लेके खजूर तक का सौदा भी वहां होता,
तो है साहब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जैसा कि ईरान में एक मेला है कुंभ का मेला, अब अरब का वो मेला खत्म हो गया लेकिन ईरान का मेला अब भी कायम है। उस दौर के मेले वो, ये जितनी बात मैं ये अक्कास का मेला बता रहा हूं ये इस्लाम के आने से पहले की बात है, रसूल के अबाओ अजदाद के दौर की बात है। हम अपनी नस्लों को रसूल के दादे की फजीलत नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा, क्योंकि जिनके पास मुअर्रक कमजोर थे उन्होंने ये कह दिया कि ना बाप मुसलमान था ना दादा मुसलमान था। चाहे जब बाप का नाम ही अब्दुल्ला हो, नाम ही अब्दुल्ला हो, नाम बता रहा बंदे का नाम गुलाम अब्बास हो, पूछना नहीं पड़ता कि तू शिया है कि नहीं, रब समझ ठीक कह रहा हूं, नाम अकीदे की वजाहत कर देता। रसूल के अबाओ अजदाद के बारे में इसलिए लिखा गया कि किसी और के अबाओ अजदाद को बचाना चाहते थे। दो जमा दो चार की मिसाल दे देता हूं, इनमें से ये दो उंगलियां छोटी हैं एक बड़ी, मैं इनको सारी रात खींचता रहूं ये इसके बराबर हो सकती है? अब मैंने किया किया इसको काट दिया, काश मेरा मौला पहले ही लम्हे पे आपको समझने की तौफीक ताकि वजाहत ना करे। अब मैंने इनको तो नहीं बढ़ा सका, इसे काट दिया। लोगों ने बड़ी कोशिश की कि लोगों को रसूल के बराबर, जब वो नहीं आ सके तो इज्जत मेरी सालत को काट दिया। 40 साल की फिक्र इसलिए रखी कि लोगों ने 40 साल के बाद कलमा पढ़ा। अगर ये 40 साल वाला ये फिक्र ना रखते तो बच्चे पूछ लेते कि ये कैसा नबी है, वो पहले दिन से नबी था और वारिस तो बना, वो पहले हालत कुफर में रहा, लिहाजा खिलाफत को सच्चा साबित करने के लिए इज्जत रिसालत को खत्म कर दिया गया। आए हम आपको रसूल के अबाओ अजदाद की बात, हम आपको रसूल के बाप दादा की बात। अक्कास का मेला लगता था, अक्कास के मेला में शायर आए मुशायरे के लिए, पूरे अरब के शायर वहां पे इकट्ठे हो गए एक कहवा खाना में बैठ के, साहब अपने अपने शेर सुनाओ, सबने अपने अपने शेर सुनाने शुरू किए। वहां पर अरब के 7 शायरों को चुना गया जिनके अशआर सबसे ज्यादा बेहतरीन थे। सुभान अल्लाह। अब मक्का के सरदार उन 7 शायरों को लेके मक्का में आए क्योंकि अरब शायरी के बड़े शौकीन थे। ये लेके आ गए और लेके आगे उन्होंने कहा तुम अपने लिखे हुए 7 अशआर हमें दो, हम काबा की दीवार के साथ लटकाना चाहते हैं। जिन अशआर को तारीख में सबाउल मुअक्किलात लिखा गया, 7 अकलों को हैरान कर देने वाले अशआर, ये इन्होंने दीवारे काबा पे चस्पा कर दिए और कहा कि अगर इसका कोई हम वजन शायर है जिसके लिए रिसालते माब ने इन्ना आता उसे लाके 7 के 7 लगा दिया और सुबह को 7 शायर अपने सर पे हाथ रखेंगे, महाजा कलाम अल बशर, ये किसी बशर का कलाम नहीं। उस दौर में जनाबे हाशम अक्कास के मेला पे गए, जनाबे शम्स वहां पे थे, अब्दुल शम्स वहां से एक गुलाम को खरीद के लाए, गुलाम था रूमी, उसका नाम था उमैया। वो जनाबे अब्दुल शम्स का, आपकी ताइद हो रही है मेरे हौसला अफजाई हो, जिनके लिए बातें नहीं है लेकिन जो ताइद कर रहे हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब अब्दुल शम्स एक गुलाम रूमी को खरीद के लाए जिसका नाम उमैया था। अरब में यह रिवाज था कि अरब में गुलाम को भी बेटा कहा जाता था। ये जो रसूल के दादा जनाब अब्दुल मुतलब हैं, इनका नाम अब्दुल मुतलब नहीं है, नाम है शीबतुल हम्द, क्योंकि जनाब अब्दुल मुतलब को इनकी वालदा ले गई थी, ये शाम रहते थे, फिर जनाबे हाशम की रेहलत के बाद जनाबे मुतलब जनाबे हाशम के भाई इन्हें लेने के लिए गए कि मेरे भाई की निशानी है, मैं इसे वापस मक्का लेके आना चाहता हूं।
वहां से जब लेके आए तो जनाब मुतलब ने जनाब अब्दुल मुतलब को शैबतुल हम्द को अपने घोड़े के आगे बिठाया हुआ था। जब ये मक्का में दाखिल हुए तो जनाब अब्दुल मुतलब के चेहरे की नूरानियत इतनी ज्यादा थी कि मक्का के लोगों ने दुकानें छोड़ी, घर छोड़ के कहा ये मुतलब किसे लेके आ रहा है। लोगों ने कहा ये अब्दुल मुतलब है, ये मुतलब का गुलाम है। जनाब अब्दुल मुतलब को जनाब मुतलब छुपाना चाहते थे कि अगर लोगों को पता चल गया कि ये हाशिम की फर्जत, फिर कहीं इन्हें कत्ल न कर दिया जाए। लिहाजा जितनी देर तक पहचान नहीं बनी तब तक इन्हें अब्दुल मुतलब के नाम से पुकारा जाता था। अरब में बात पहुंच रही है, अरब ने गुलामों को भी बेटे का दर्जा दे दिया और बेटे के नाम से पुकारा जाता था। इसके अलावा सैकड़ों रेफरेंस मेरे पास है, जैसा कि रिसाल दिमाग के एक नौकर थे, गुलाम थे जनाब ज़ैद, उनको भी कहना शुरू कर दिया ये रसूल का बेटा है, और खुदा ने कुरान में आयत भेजी कि मोहम्मद तुम मर्दों में किसी का बाप नहीं। इन्होंने कहा कि किसी का बाप नहीं है तो फिर किसी का भी बाप नहीं, फिर तेरी नस्ल कौन सी होगी। आवाज़ रसालत आई, मेरे अल्लाह मेरा कोई भी बेटा नहीं, फरमाई ने भौंकने दे, एक वक्त आएगा नजरान के ईसाई तुझे मुबाहले में बुलाए, फिर मैं तुझे हुक्म दूंगा कि अपने बेटे देखे हम अपने बेटे। अभी उमैया जो थे क्यों गए अब्दुल शम्स के बेटे। अब अगर शजराए तैयबा मैंने आपके सामने अपने मनाफ तक ला के रोका, अब शजराए मलाउना भी पहले ही दिन से चल रहा है। वहां आदिम आए शजराए तैयबा में, मलाउना में अबलीस आ गया। अबलीस ने नुमाइंदगी काबील को दे दी, आगे फराउन को दे दी, फिर नमरूद को दे दी, फिर शदाद को दे दी, फिर अबू जहल को दे दी, इधर अबू सुफियान तक पहुंच गई। उधर से शजराए तैयबा आ रहा, इधर से शजराए मलाउना आ रहा। अब जब क्योंकि मुझे कत्ले हुसैन तक पहुंचना और शहादत इमाम हुसैन तक पहुंचना, और कोशिश करनी है कि आज की मजलिस में गुफ्तगू को क्लोज करके कल मैं चाहता हूं कि मैं इमाम ज़मान पे दो चार जुमले आपके सामने सुभान अल्लाह बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। और कल की गुफ्तगू में मैंने बताया मौला अली के दौरे अक्दस में दो तरह के तबके अली के सामने, एक वो जो ज़ाहिरन अली की मुखालफत कर रहे थे, एक जो पोशीदा अली की मुखालफत। पोशीदा चेहरे बेनकाब हो गए जमल में जाके, ज़ाहरी चेहरे बेनकाब हो गए सफीन में आ गए। अब सफीन और जमल में अली ने दुनिया को तारीख का किबला दुरुस्त करवा दिया कि सिर्फ कलमा पढ़ने से बंदा मुसलमान नहीं होता। अगर वो वक्त की हुज्जत का इनकार कर दे, क्या बात है, तो जैसे शजराए मलाउना पे पहला फर्द बाहर निकला था, क्या बात है, जिसने जिस भी दौर में शजराए तैयबा के किसी भी फल का इनकार किया, चाहे घर में बैठ के किया, थोड़ा बोलिएगा साहब, वो शजराए मलाउना से मिला दिया। बेशक उसका ताल्लुक शजराए तैयबा से हो, नूह ने कहा था बेटा नहीं, फरमाया निकल गया, अब तेरे शजरे में नहीं है। चले मैं जगाने के लिए एक जुमला कह देता हूँ, क्योंकि चंद बंदे इस इंतजार में होते कोई खिताबत की बात आए तो फिर ही हम आगे बोले। मैं उन्हें जगाने के लिए एक बात कह देता हूँ कि आज खुदा ने नूह को बेटा दिया, उसके बाद खुदा ने असूल बदल, खुदा ने का हद हो गई, तरबियत माँ ने अच्छी नहीं की, अल्जाम मेरे नबी पे आ गया। जो उठता कहता नूह का बेटा नाफरमान, नूह का बेटा बदकिरदार, नूह का बेटा जाहिल, खुदा ने कहा बेटा नबी के नाम के साथ पुकारा जाता है, कोई माँ की तरबियत का नाम नहीं लेता कि माँ सारा दिन बिठा के तालियां बजा बजा के नूह के खिलाफ किया करती थी, माँ का नाम कोई नहीं लेता, इल्जाम मेरे नबी पे आ गया है। उस दिन खुदा ने मनसूबा बना लिया था कि मैंने नबी की ऐसी बीवी को औलाद देनी नहीं। अगर ऐसी ही बातें चाहिए तो तकरीर का रुख मोड़ देते। मौलू फेरने का वाली नजब ने मुझे हुनर बड़ा
छोड़ लेते खैबर सुना देते हैं अब साहब चले अब वो जागे चेहरे खुशी आ गई उनके चेहरे उनके लिए भी एक जुमला कह रहे हैं खुदा जब शजरा मलऊना से शजरा तैयबा को जब को छोड़े खुदा शजरा मलऊना बनाए बेटा आदम का था काबील नाम था हुज्जत का इनकार हुआ शजरा मलऊना नूह बेटा था नबी को छोड़ा शजरा मलऊना इधर से शजरा मलऊना चलता गया उधर से शजरा तैयबा अली के सामने दो ग्रुप जाहिर जिन्होंने जाहिरन हुज्जत की मुखालफत कर दी इस मुखालफत के बाद मेरे मालिक अली को बहुत सी दुनियावी ऐसे लोगों के ग्रोह अली के सामने आ गए कि कल भी मैंने कहा था कि काश मेरे मालिक के लिए सिर्फ बसात इल्म ही बिछाई होती बसात इल्म बिछाई होती तो फिर अली कायनात के फैसले करते फिर अली बताते कि कैसे इल्म की हदें होती हाय 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 आज दुनिया को तहकीक की जरूरत ही ना पड़ती हाय हाय आज दुनिया किसी जुस्तजू में जाती ही ना हाय हाय कि जितनी तहकीक हुई है ये अधूरी छोड़ी हुई अली की हाय हाय जिनसे आज दुनिया फायदे उठा रही है बस फिर क्या हुआ सहाबान वक्त की हुज्जत को और कायनात के इस खलीफातुल मुस्लिमीन और अमीरुल मोमिनीन को मस्जिद कूफा में 19 रमजान को हालत सजदा में कत्ल कर मैं बार बार कत्ल का लफ्ज इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे कातिल तक पहुंचना है किसी आम शख्सियत का कत्ल नहीं वक्त का खलीफा कत्ल और मस्जिद में हुआ है बस इसके बाद इस मौला अली की इस शहादत के बाद जो ग्रोह बगावत पे उभरे हुए थे मुनाफकता में एक जुमले पे तारीख का इतना लंबा सफर करने लगा हूं कि अगर मैं ये सफर करता तो मुझे अशरा चाहिए था मैं एक जुमले में पूरा सफर आपका समेटने लगा हूं मौला अली की शहादत के बाद ऐसा मंजर पेश आया ये मौला अली के दौर 110 में और मौला की शहादत के वक्त इस्लाम का ये मंजर बन गया था कि जो बुग्ज़े अली और बुग्ज़े आले मोहम्मद सीनों में था वो मिंबर पे बयान हो रहा था और नकली इस्लाम ने असली इस्लाम का चेहरा इस कदर मसख कर दिया था कि लोग ये पूछ रहे थे कि अली मस्जिद में क्या कर रहे हैं नकली इस्लाम वालों ने शजराए मलऊना वालों ने शजराए तैयबा को इतना इंसानियत से दूर कर दिया था कि लोग अमीरुल मोमिनीन की जात पे शक कर रहे हैं फिर शजराए मलऊना का फल शजरा तैयबा के फर्द के सामने मैं नाम लूंगा मुझे कोई डर नहीं मैं उस सांस पे लानत करता हूं जिस सांस में आले मोहम्मद की वकालत ना बादस अली माविया हसन के सामने आ यहां पर आके तरीके मुअर्रख ने फिर मेरी नस्लों को गलत रहनुमाई दी इमाम हसन ने सुलह कर ली थी सुलह नहीं की इमाम हसन ने शर्तें मनवाई और शर्तें भी ऐसी मनवाई थी कि शजरा मलऊना का चेहरा बेनकाब कर इमाम हसन ने कलम के साथ ऐसी जंग लड़ी थी जैसे अब्बास मैदान में तलवार ऐसे लड़ गया है मेरे मौला इमाम हसन इमाम हसन क्योंकि रिसालत माब की हदीस सुन्नी किताबों में लिखी हुई प्रोफेसर डॉक्टर ताहरुल कादरी से मेरी एक दफा एक एयरपोर्ट में मुलाकात हुई थी मैंने उन्हें अपना तारुफ करवाया उन्होंने कहा बेटा मैं इमाम हसन और हुसैन पे बहुत सी हदीसें इकट्ठी करके जमा करके मैंने किताब की सूरत में दी हैं उन्होंने फौरन अपने हैंडबैग से किताब निकाली किताब निकाल के मुझे कहा आप खतीब हैं मैं आपको तोहफा देना चाहता हूं मैंने किताब का पहला ही सफा उठाया तो पहली हदीस लिखी हुई थी वल्लाह बा खुदा मिंबरे हुसैन में बावजूद उस पर लिखा हुआ था कि रिसालत बाप ने फरमाया कि सर से लेके कमर तक मेरा हसन मेरी शबी कमर से लेके पांव मेरा हुसैन मेरी शबी है डॉक्टर साहब साथ बैठे थे मैंने कहा किबला अगली हदीस से पढ़ने का हौसला नहीं पड़ा इसी हदीस की थोड़ी वजाहत ये क्या था उनका कहा बेटा ये बात ये थी कि इमाम हसन बिल्कुल शालते माप की तरह थे सर से लेके कमर तक मैंने कहा ऐसे तो इमाम हुसैन के बेटे अली अकबर भी थे खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी शबीह पैगंबर थे कहने के नहीं ज़ाहरन ज्यादा सूरत इमाम हसन की मिलती थी मैंने कहा किबला अगर इजाजत है थोड़ी सी बात मैं आगे बढ़ा दूं हाँ आप बताइए मैंने कहा किबला सर से लेके कमर तक हाथ आता कमर से लेके पांव तक पांव आता है रसूल दरअसल ये कहना चाहते थे अगर हसन
सुलह के लिए शर्तें मनवाने के लिए कदम उठाए तो हसन नहीं उठा रहा, मैं पैगंबर उठा रहा हूं। अगर हुसैन 28 रजब को मदीना छोड़े, हुसैन नहीं जा रहा, मैं मोहम्मद। हसन भी रसूल की शबीह थे, हुसैन भी पैगंबर की शबीह थे, मेरा अल्लाह आपको हौसला देता और आप इस हदीस की शरह पे अगला जुमला भी लिख देते कि हसन का कातल भी रसूल का कातल है, हुसैन का कातल भी रसूल का कातल है। और शराइत सुनना मेरी कौम के नौजवान मातमियों, इमाम हसन ने पहली शर्त लिखी, लिख शर्त, आज के बाद तू कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। शर्त नहीं मरवा रहा मेरे मौला इमाम हसन, तलवार की जरब लगा रहे हैं, शजराए मलौना की गर्दनें काट रहे हैं। इमाम ने कहा लिख, तू कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। उसे फौरन का ठीक है, इख्तदार दे दे, लिख देता। उसने ये क्यों नहीं कहा कि मैं तो पहले ही कुरान को मानता, मैं तो पहले ही सुन्नत को मानता। इमाम हसन ने पहली शर्त लिख के तारीख तालब इल्म को सोचने पे मजबूर कर दिया कि इस शराइत से पहले ना ये कुरान को मानता था, कुरान को मानता होता सफीन पे नेजों में ना उठाता। ये जिल्दे कुरान को मान रहा है, असले कुरान को नहीं मान रहा है। ये हकीकत है कुरान का मुनकर, लिख तो कुरान और सुन्नत पे अमल करे। पहली शर्त लिखी, ठीक है जी मैं करूंगा, अगर करता था कह देता, आप ये शर्त क्यों लिख रहे हैं? दूसरी शर्त देखना मेरे मौला की क्या कह रहे, मेरे मालिक तेरी बसीरत के। इमाम ने फरमाया दूसरी शर्त लिखो, तू आज के बाद कुरान और सुन्नत पे ही अमल करेगा, सीरत शेखैन पे अमल नहीं करेगा। इख्तदार चाहता है तो जो जो पहले हो चुका दोबारा नहीं होगा। क्या कहने मेरे मौला, घर में बैठे इतनी बड़ी जंग जीत गए। इमाम ने कुरान और सुन्नत के बाद सीरत शेखैन वाली शर्त लिख के दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया कि सीरत शेखैन भी कुरान के मुताबिक नहीं। क्यों नहीं कहा उसने कि मौला उनकी सीरत भी तो कुरान के मुताबिक थी? बोले ना, इतना बड़ा कलेजा चाहिए ये गुफ्तगू मिंबर से करने के लिए, लेकिन हक तक अपनी नस्लों को पहुंचाने के लिए उसने कहा क्यों? फरमाया सीरत शेखैन पे नहीं, सिर्फ कुरान रसूल की सुन्नत। तीसरी शर्त लिखो, आज के बाद तेरा कोई भी बिका हुआ खतीब मिंबर पे मेरे बाबे को नहीं बकेगा। उसने कहा आप इख्तदार दें, हकूमत दे दें, अंधे जो थे, लालची जो थे इख्तदार के, हवस और इख्तदार के मारे हुए जो थे, नहीं ठीक है आज के बाद कोई नहीं कहेगा। इसका मतलब कि उसने ये शर्त मान के ये इस बात को तारीख में साबित कर दिया था कि मैं मिंबरों पे अली की तौहीन करता था, मैं नमाज जुमा के खुतबों में अली की तौहीन करता था। जाओ आज के मौलाना फजलुर रहमान से लेके मुफ्ती ए मक्का तक, इनके सरों पे कुरान रख के पूछो, तुम अली को इमाम नहीं समझते, सहाबी तो समझते हो, अब सर पे कुरान रख के बताओ जो सहाबी को गाली दे वो काफिर होता है या मोमिन का मोमिन होता है? इंडिया में हो रही है, जाकर नाइक उसका बानी है।
رضی اللہ ثابت کرنا چاہتا ہے۔ میں تو پاکستان کے ہر ممبر پہ کہتا ہوں اگر آپ نے رضی اللہ یزید کو کہنا ہے تو ہماری بلا سے لاکھوں دفعہ کہے، ہمیں پریشانی کیا ہے، ہمارے پاس تو کوئی بھی رضی اللہ نہیں، ہمارے پاس تو سارے علیہ السلام ہیں۔ لیکن اگر آپ یزید کو رضی اللہ کہیں گے تو کل کو آپ کی نسلیں آپ سے پوچھیں گی رضی اللہ سارے ایسے ہوتے ہیں۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ سامنے بیٹھ کے نہیں، سامنے بیٹھ کے نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں ایک ٹی وی پروگرام ہوا، انہوں نے چند بازاری عورتوں کے گلے میں یا علی مدد کے لاکٹ ڈال دی، انہیں ٹی وی پہ بٹھا کے پوچھا آپ کا مذہب کیا ہے، ہم شیعہ ہیں۔ مسکرا کے کہا یہ دیکھیں پاک مذہب ہے، یہ کیسا مذہب ہے، علی اس چیز کی تعلیمات دیتا ہے۔ میرے اوپر ممبر پہ سوال ہو گیا جی یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، میں نے ممبر پہ بات کی، میں نے کہا ہمیں چینل تک تو جانے کوئی نہیں دیتا، ٹی وی پہ تو ہمیں بیٹھنے کوئی نہیں دیتا، ہمارا ممبر ہی ہمارا ٹی وی ہے، ہمارا ممبر ہی ہمارا چینل۔ یہی ممبر سے ان کو جواب دے دیتا ہوں، یہاں پر عورتوں کو، بازاری عورتوں کو یا علی مدد کے لاکٹ پہنا کے ٹی وی پہ بٹھا کے یہ نہ پوچھو کہ تمہارا امام کون ہے، دعا کیا کرو کسی ناچنے والی کا بیٹا کسی مذہب کا امام نہ ہو۔ پورے دنوں کے مسلمان بنو، چھپ چھپ کے اپنے خریدے ہوئے چینلز میں بیٹھ کے بہانے کی گھڑی ہوئی حدیث بنی امیہ کے مورخین کی پڑھ پڑھ کے فلاں جنگ میں چلا گیا تھا اس لیے جنتی ہو جائے گا، اگر اتنا ہی یزید کا دفاع کرنے کی تمہیں شوق ہے تو پھر کھل کے پورے دنوں کے مسلمان بنو، ہم حسین کی مجلس کرواتے ہیں، تم یزید کا دفاع کرو، میں حسین کی ماں کا کردار بتاتا ہوں، تم یزید کی ماں کا کردار۔ کوئی بھی میرے باب علی کو نہیں بھونکے، شرط مان لی، سبحان اللہ، اقتدار والا سمجھ رہا تھا میں جیت گیا، دراصل وہ ہار گیا، اس نے اپنا تعلق شجرہ ملعونہ سے ساتھ، ادھر معاویہ کے بعد اس کا بیٹا آ گیا۔ اور مجھے یہاں پہ وضاحت نہ دینی پڑے، ڈھونڈ کے بیٹا لایا تھا یہ، تاریخ کی ذمہ داری، میری پوری ہسٹری کی ذمہ داری، اسے پتا نہیں تھا، کسی نے بتایا تھا سرکار فلاں قبیلے میں وہ جو محسون تھی، وہ جو آپ کے دربار میں سرکاری رکاسہ تھی، اللہ بخدا ممبر کی تہذیب اجازت نہیں دیتی اتنے بد کردار اور اتنے گندے خاندانوں کو، تم ان خاندانوں کے ساتھ ملا رہے ہو جن پہ اللہ درود پڑتا ہے۔ اور یہ جملہ کہنے میں مجھے کوئی پریشانی اور کوئی آر نہیں، کیونکہ یہ جملہ میرے معصوم کی زبان سے نکلا ہوا، میرے مولا نے ولید کے دربار میں کھڑے ہو کے کیا کہا تھا،
जब उमैया के खानदान का मरवान बैठा हुआ था वलीद के पीछे, और उसने वलीद के पीछे बैठ के इमाम हुसैन से वलीद ने कहा ये यजीद का खत है, वो माविया मर गया, यजीद उसके बाद तख्तलीन हो गया, आपसे बैठ जाता। इमाम ने फरमाया पहली बात तो ये कि मुझ जैसा मुझ जैसे की बैत नहीं करता। इमाम ने क्या कहने मेरे मौला तेरे जुमले के, इसका बाप साहिब नहतु बलागा, इसका बाबा वार से कुरान हो। इमाम ने सिर्फ ये नहीं कहा मैं उसकी बैत नहीं करता, मैं मुझ जैसा कभी भी उस जैसे की बैत। और ये क्या तुम रात की तरीकी में बंद कमरों में औरतों की तरह बैठ के बैठ ले रहे, सुबह दिन का मैदान सजने दो, पूरे अहले मदीना को इकट्ठा करना, फिर ये सवाल मुझसे करना, रोजा रसूल भी आगे मुझसे बैत मांग के तो देख। इमाम हुसैन ये खुतबा देके जब जाने लगे तो पीछे से बैठे हुए मरवान ने कहा अभी ले ले अकेला आया है, या बैत ले ले या सर ले ले, इतना कहना था यूं फिरा है हर एक का राग के उसकी तरफ उंगली का इशारा है यब नजर का और तवाइफ के बेटे। तुझ में जुर्रत तो हुसैन के सर का नाम, तुझे पता बाहर अब्बास खड़ा है। मुझे इस तरफ नहीं जाना वरना बड़े बड़े नाम बड़े बड़े चेहरे ऐसे हैं या करना पड़ेगा। उधर से आ गया माविया का बेटा, इधर से आ गया अली का बेटा, जहां छुप के बैत मांगी जा रही थी वहां जहरन बैत मांग ली गई। अब आओ तारीख के मुअर्रखीन हमारी आंखों में आंखें डालो, घर में बैठ के मस्जिद के मेहराब में हमें काफर कहना आसान है, बरसरे चौक आओ, कोई मैदान सजाओ, किसी चैनल पे बैठो, हमसे हमारा मजहब तो मजहब कोई हमारा मजहब है, ये कोई तलवारी मजहब है, ये कोई तलवारों के साए से उठा हुआ मजहब है, इमामत का मजहब, कुरान का मजहब। तुमने अपनी शराफिका अकबर में यजीद को खलीफा लिखा मुसलमानों का, क्या बात है। अगर तुमने खलीफतुल मुस्लिमीन लिखा तो अब आओ मुझे बताओ, तुम ये कहते हो कि यजीद की खिलाफत गलत, जो पहली बात कही थी पहली मजलिस में, अब मैं उस मौजू के करीब आ रहा हूँ, एक पेश करके बाकी बचाए जाते हैं, इन्होंने यजीद को पेश किया है बाकी चेहरे बचाए, यजीद का जुर्म क्या है, ये उसकी खिलाफत गलत थी, क्यों गलत थी। तुम्हारे यहां खिलाफत के तीन असूल हैं, अजमा हो, नामजद करना हो, शूरा हो, इसके पास तीनों हैं। मुझे यहां साहिबान इल्म की तवज्जो चाहिए, मुझे यहां अफसूदा चेहरे नहीं चाहिए, साहिबान इल्म की तवज्जो चाहिए। किबला उसके पास ये तीनों तरीके थे, अजमा था, छोटी मोटी मुमलकत का बादशाह नहीं था, दुनिया के तिहाई हिस्से में एक शरीयत उसकी बैत कर चुकी थी, तीन बड़े बड़े आजम उसकी बैत में आ गए थे, जाके उसका हदूद तो देखो, उसकी मुमलकत के हदूद को आज के मैप में उठा के देखो, बड़े आजम एशिया, बड़े आजम यूरोप, बड़े आजम अफ्रीका, ये जो आज मुल्क है उसके सूबे थे, सऊदी आज मुल्क है उसका सूबा था, अराक आज मुल्क है उसका सूबा था, मिस्र मुल्क है उसका सूबा था, ये उसके छोटे छोटे सूबे थे, इतने लोग उसकी बैत कर चुके थे, अजमा तो हो चुका था। तुम्हारा दूसरा तरीका है कि कोई नामजद करे तो खलीफा हो जाता है, इसका बाप कर गया था। तीसरा तुम्हारे पास तरीका है कि कमेटी बैठ के फैसला करे, इसने बिठा दी थी, जिन्होंने कहा था कि ये नहीं करेंगे, अब उसके पास तीनों तरीके थे, खिलाफत क्यों गलत। तुमने यजीद को गलत कह के अपनी पूरी खिलाफत की दीवार ही गिरा दी, तुमने यजीद वाली ईंट निकाल के पूरी खिलाफत की इमारत को धराम जमीन पर गिरा दिया। सिर्फ यजीद गलत नहीं, फिर अगर यजीद को गलत कहना है फिर थोड़े और मजबूत बनो, यजीद गलत है तो फिर अजमा भी गलत है, यजीद गलत है तो फिर शूरा भी गलत है, यजीद गलत है तो फिर नामजद करना भी गलत है, अगर सब गलत है तो फिर मानो सकीफा गलत था, गदीर सही था। Yeah.
हथेली जैसे मैदान में आ गया करीब का। वाह जी वाह, वाह जी वाह। मदीना छोड़ा क्यों? सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। इमाम हुसैन मदीना से क्याम न करते, खरूज ना होता तो इमाम हुसैन का कत्ल भी हसन की कत्ल की तरह छुप जाता। कातिल मौला अमीर अल मोमिनीन के कातिल की तरह छुप जाता। हुसैन हथेली जैसे मैदान में। अब आओ हमारे सामने, हमसे पूछो शजरा तैयबा क्या और शजरा मलाउना क्या। उधर से यजीद के बाद मरवान आ गया, मरवान के बाद अब्दुल मलक बिन मरवान, उसके बाद उसका बेटा हशाम बिन अब्दुल मलक आ गया, हशाम बिन अब्दुल मलक के बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलक, सुलेमान बिन अब्दुल मलक के बाद यजीद इब्न अब्दुल मलक, यजीद बिन अब्दुल मलक के बाद वलीद इब्न अब्दुल मलक, वलीद इब्न अब्दुल मलक के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज आ गया, उमर बिन अब्दुल अजीज के बाद हादी अब्बासी आ गया, हादी अब्बासी के बाद महदी अब्बासी आ गया, महदी अब्बासी के बाद हारून रशीद आ गया, हारून रशीद के बाद मामू रशीद आ गया, मामू रशीद के बाद मोतसम बिल्ला, मोतसम बिल्ला के बाद मोतमद बिल्ला आ गया, मोतमद बिल्ला के बाद मोतस बिल्ला, मोतस बिल्ला के बाद मुस्तहसन बिल्ला आ गया, मुस्तहसन बिल्ला के बाद मतवक्कल बिल्ला, मतवक्कल इन सारे बिल्लों को हलाकू खान, हलाकू खान के बाद जिंदा शाह आ गया। सर तवज्जो है सर, मैं शजरा सुना रहा हूँ। फिर ये जिंदा शाह गया तो फिर आप बर्रे सगीर के बाद शशु, बाबर आ गया, बाबर के बाद अकबर आ गया, अकबर के बाद हमायूं आ गया, हमायूं के बाद शाहजहां आ गया, शाहजहां के बाद औरंगजेब आ गया, औरंगजेब के बाद बहादुर शाह जफर आ गया, बहादुर शाह जफर के बाद 200 साल ये चले गए जिनके पास आप हैं, 200 साल तक अंग्रेज की हुकूमत रही, फिर हुसैन का एक आजादा और आ गया। पाकिस्तान में खुदकुश हमले करने वाले पाकिस्तान के सगे मुसलमानों, हमें बताओ बानी का मजहब क्या था? वो मोहम्मद अली जुना बुजुर्ग जानते, जो आज पाकिस्तान के ठेकेदार बने हैं, इन्हीं के अबाउ अजदाद ने कायदे आजम को काफरे आजम कहा था। एक क्लीन शेव नौजवान इस्लामी सल्तनत का क्याम कैसे कर सकता है? अंग्रेज से खजाने जो आ रहे थे वहां कायदे आजम की मुखालफत हुई, पहले काफर कहते रहे, जब पाकिस्तान बन गया फिर इस्लाम के मुसलमानों के और इस्लाम के और पाकिस्तान के ठेकेदार बन गए। इनकी पुरानी आदत है वारसों को काफर कहना, वारसों के कब्जे करना। हम तो मुल्क पाकिस्तान के हर मेंबर पे कह रहे हैं कि ये तो खुदकुश हमला और ये दाइश क्या चाहते हैं, आजादारी खत्म हो जाए, इनकी बहुत बड़ी भूल है। इमाम हुसैन की आजादारी खत्म करेंगे, कभी भी खत्म नहीं हो सकती। मुझे एक दफा मौलाना ने कहा, यार आप सारे शिया ईरान क्यों नहीं चले जाते, वहां पर आपको कोई रोक टोक नहीं, वहां जुलूस निकाल, ये मुल्क छोड़ दो। मैंने कहा सरकार आप अफगानिस्तान चले जाएं, आपकी पहाड़ों से ज्यादा रिश्तेदारी है। पाकिस्तान से कभी भी हुसैन की आजादारी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये मोहम्मद अली का पाकिस्तान है, मुल्ला उमर का अफगानिस्तान। आगे चलने दी थोड़ा सा, जरा खिलाफत की बुनियाद तो देखें, इस्लाम का चेहरा तो देख ले, मोहम्मद अली के नाम के बाद लियाकत अली खान तो जो है सब। अब देखिए मुतालिया पाकिस्तान भी है और मुतालिया इस्लाम भी, मोहम्मद अली जिना के बाद लियाकत अली खान के बाद दौलताने आ गए, दौलताने के बाद फिर सिकंदर मिर्जा आ गए, अयूब खान आ गए, याहिया खान आ गए, जुल्फकार अली भुट्टो आ गए, फिर एक झूठा अमीर उल मोमिनीन आ गया। उसके बाद मोहतरमा आ गई, मोहतरमा के बाद मियां साहब आ गए, मियां साहब के बाद फिर मोहतरमा आ गए, मोहतरमा के बाद फिर मियां साहब आ गए, फिर एक सैयद आ गया, गिलानी साहब नहीं पीछे चले गए। बाद में सिर्फ मुतालिया पाकिस्तान में आऊं तो जो है साहब, अब मुझे बताएं इस्लाम के ठेकेदार
कि अब इस पूरी खिलाफत में इस्लाम कहां है। मेरा वक्त आप कौम का जाया करना नहीं था, आपको नाम गिनवाना नहीं था, हमें बताओ इस पूरी खिलाफत में इस्लाम कहां है। कौन है हाकम इस्लाम, किस में जरूरत है वो कहे कि मैं इस्लाम का हाकम हूं। उधर रसूल के बाद अली आ गए, अली के बाद हसन आ गए, हसन के बाद हुसैन के बाद ज़ैनुल अब्बास, ज़ैनुल अब्बास के बाद बाकर, बाकर के बाद सादिक आले मोहम्मद, सादिक आले मोहम्मद के बाद मूसा, मूसा काज़म के बाद रज़ा के बाद नकी, हसन वक्त की हुज्जत जिंदा, खुदा ने कहा शजरा तैयबा का ये एक फन है हर दौर में फल देता है। शजरा तैयबा कल दिखा है, आओ तारीख तालब इल्मों को हमारे सामने बिठाओ, उनसे पूछो कि ये शजरा तैयबा को हर दौर में किसने काटने की कोशिश की। रसूल थे तो मुकाबले में अबू सुफियान का, अली आ गए तो माफ कर दिया, हसन आ गए माफ कर दिया, हुसैन आ गए यजीद, ज़ैनुल आबिदीन आए वलीद बिन अब्दुल मलिक शहीद कर, इमाम बाकर आए हशाम बिन अब्दुल मलिक शहीद, इमाम सादिक आए मंसूर दवान के, मंसूर इमाम सादिक के बाद इमाम मूसा काज़म आए तो कातिल हारून रशीद, इमाम रज़ा आए तो कातिल मामून रशीद, इमाम तकी आए तो कातिल मोतसम बिन दा, इमाम नकी आए तो कातिल मोतमद बिन दा, इमाम हसन अस्करी आए तो कातिल मोतमद बिन दा। अब मुझे बताओ जिनको तुम खिलाफत का शजरा कह रहे हो, ये खिलाफत का शजरा है या कातिलों का शजरा? अब हमें बताओ कि इस्लाम कातिलों ने बचाया है या मजलूमों ने बचाया है? जहां गर्दनें काटी जा रही हैं तुम उनसे इस्लाम ले रहे हो, यहां इस्लाम के लिए गर्दनें दी जा रही हैं। और आज मैं फिर, क्योंकि मैं चाहता था कि आज मैं इस मौजू को खत्म इसलिए करना चाहता था ताकि कल मैं उस आखिरी फल पे गुफ्तगू कर सकूं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह वला सलाम, शजरा तैयबा का वो समर जो हर दौर में फल देता। सुभान अल्लाह, कल दिन में मजलिस होगी, कोशिश कीजिएगा तशरीफ लाइएगा ताकि मार्फत और हुज्जत पे गुफ्तगू हो सके, क्योंकि ये भी वो मौजू है जिससे हमारा मिंबर ना आशना है। हमारी नस्लों को ये पता है कि इमाम है, ये नहीं पता कि वो इमाम क्या है। एक होती है मार्फत खासा, एक होती है मार्फत आम, एक इंसान होता है जाहिर, एक होता है गाफिल। जाहिर वो है जिसने जाना ही नहीं, गाफिल वो है जिसने जाना है पहचाना है। एक होता है मुनकर नमाज, एक होता है तारिक नमाज। क्या बात है, एक वो है जो नमाज के वजूद का मुनकर, उसे पता ही नहीं कि नमाज क्या है, एक वो जिसे पता है और फिर नहीं पढ़ता, ज्यादा मुजरब तारिक है, जो है तो क्या हमने ये सोचना है कि क्या हमारा माज अल्लाह, हमारा मैं अपने समेत क्या हमारा शुमार कहीं गासबीन हकूक इमाम जमाना में तो नहीं हो रहा? हमारे वक्त की हुज्जत का हमारे ऊपर हक क्या है? वो इमाम हमसे क्या चाहता है? क्या यही खुदा ने करना था कि इमाम को पर्दे में रखना था और हमें कहना था जैसे मर्जी दुनियादारी करो और इमाम का इंतजार करो? मुझे माफ कर दीजिएगा जुमले में पूरी तारीख बंद करने लगा, ये हमारा इमाम जमाना को बुलाना कहीं कूफे वाले खत तो नहीं? तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। हमने हर इंसान ने खुद अपनी जात में फैसला करना, अगर इमाम अब भी तशरीफ ले और कहे मैं तुम्हारे साथ तेरे घर जाना चाहता हूँ, क्या हमारे घर इस काबल हैं जो वक्त की हुज्जत आ सके? आप उस इमाम का प्यार देखो, उस मेरे मालिक ने, उस मेरे वारिस ने कहा मेरे शियों रात को सोने से पहले मुझसे सरगोशियां लिया करो। शेख सदूक ने लिखा कमालुद्दीन वा तमाम निगम, इमाम ने फरमाया अपनी तौकियात में से, इमाम ने अपने जो नायब को तौकी दी थी, इमाम ने फरमाया मेरे शियों से कहो रात को सोने से पहले मुझसे सरगोशियां किया करो। सरगोशियां क्या कहते हैं? कान में की हुई बात। इमाम ने फरमाया रात को सोने से पहले वजू करके बिस्तर पे लेट के मुझे अपने दर्द सुनाया करो, मुझे अपनी तकलीफें बताया।
ताकि तुम्हारा इमाम के साथ तवस्सुल रहे, राबता रहे। खबरदार किसी दुनिया के अमीर के पास अपनी हाजत लेके ना जाना। इमाम जिंदा हो और तुम तहलीजों पे मांगते फिरो, मुझसे मिल अपने दर्द। इमाम फरमाते तुम दर्द बयान करके तवक्कुल और एतमाद के साथ सो जाओ, सुबह हो के सूरज तलू होने से पहले तेरे दर्दों को खत्म करना तेरे इमाम की जिम्मेदारी। मौला एक बंदे ने पूछा इमाम ज़ादी के रसूल से, मौला अगर कोई इंसान चाहता हो उसको आज के दिन में कोई भी दुख ना हो। इमाम ने फरमाया सुबह को उठ के अपने वक्त की हुज्जत को सलाम किया करो। तुम सुबह को उठ के वक्त की हुज्जत को सलाम करोगे, सलाम कहना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है और वो वाजिब का वारस है। तुम सलाम कहोगे वो अलैक का सलाम कहेगा, तेरी भी सलामती हो। जब इमाम कहते सलामती हो फिर उस दिन मलकुल मौत की भी क्या जरूरत है कि वो रूह को कब्ज़ करे, जब हुज्जत कहेगी कि तेरी आज सलामती है। दस्तरखान से जाओ तो इमाम को दावत दो। अगर तुम अपने वक्त के इमाम की इतनी मार्फत अपने बच्चों को प्लीज पढ़ा दीजिए, फिर आपके बच्चों का आइडियल स्पाइडरमैन नहीं होगा, उनको आइडियल उनके वक्त का इमाम दो। वो पूछे कि हमारे इमाम की जुल्फे कैसे हैं, हमारे इमाम का चेहरा कैसा है, हमारे इमाम कहाँ पे होते हैं, अगर हमने इमाम से मिलना हो तो कहाँ मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते इमाम, मिलते हैं, किसने कहा कि इमाम से मुलाकात नहीं होती। सैयद हसन अब्तही इतने बड़े आलम दीन है, उन्होंने दो जिल्दों पर किताब लिखी है मुलाकात बा इमाम ज़मान, और उनमें मुफस्सल तरीके से जिक्र किया उन लोगों का जो इमाम से मुलाकात करना चाहते थे और उनकी हो गई। हम चाहते नहीं, हम कहते इमाम पर्दे में, इमाम पर्दे में नहीं, हमारी आंखों के आगे पर्दे, तासुब के पर्दे, हवस के पर्दे, इक्तदार के पर्दे, दौलत के पर्दे, पर्दे हटाओ, इमाम सामने नजर आए। साहबान तवज्जो है, मैं कल की गुफ्तगू में कोशिश करूंगा कि आपको वक्त के इमाम की वो निशानियां बता सकूं कि इमाम से मुलाकात कैसे होती है, किन शरायत है इमाम से मुलाकात, कैसे कैसे लोग इमाम से मुलाकात कर चुके हैं। अरब का रहने वाला एक बुजुर्ग हर शाम को नेजा लेकर चौराहे पे खड़ा हो जाता था, लोग पूछते तू यहां क्यों खड़ा है, इतमाद देखना। वो कहता अगर मेरा मौला लश्कर लेके आ गया। एक दिन बच्चों ने मजाक में कहा तू यहां खड़ा है, पहाड़ के पीछे मौला आ गए, नेजा लेके ऐसा भागा आज तक नजर ही नहीं आया, यकीनन इमाम की सफ में चला गया। हमारे पाकिस्तान में मुल्तान की एक सैयदजादी रोज रात को बुर्का पहन के सोती थी, और जब पूछती बुर्का पहन के क्यों सोती है, उसने कहा रात को मौला आ जाए बुर्का ढूंढूंगी या इमाम के पीछे जाऊंगी। सादगी देखिए और यकीन देखिए। इमाम फरमाते मैं कायम हूं, शियों में तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, कायम है ये मौला खड़ा, कायम कहते हैं उसे जो हर वक्त खड़ा हो, जब से है तब से कायम खड़ा है तुम्हारे साथ। बाप के सामने सिगरेट पीने से डरते हो कि बाप डांट ना दे, बाप से डरते हो इमाम से नहीं डरते। हर अमल करने से पहले सिर्फ इतना सोचना कि हमारा इमाम हमें दे। गुनाह वो करता है जिसका इमाम कोई ना हो, गलती वो करता है जिसके देखने वाला कोई ना हो, वो बच्चा बड़ा ही नाफरमान होता है जिसका बाप उसे टोके ना देखे ना। इसलिए कहा कि बाप औलाद के सर पे रहे ताकि बच्चे को खबर हो, बाप नमाजी होगा तो बेटे को सिखानी नहीं पड़ेगी। बचपन में जो बाप के साथ मुसल्ले पे खड़ा हो जाए उसे थप्पड़ मार के मुसल्ले पे नहीं लाना पड़ता। माँ पर्दा करती हो तो बेटी को पर्दे की अहमियत बताई नहीं जाती। ये बातें हैं तो तलक लेकिन करे भी तो कोई नहीं, किसी ना किसी ने तो करनी है, किसी ना किसी ने तो पहुंचा। यंगस्टर बैठे मेरे नौजवान दोस्त बैठे, अगर तुम अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते तो समझ जाओ कि तुम इमाम की इज्जत नहीं करते। तुम्हें इस मुआशरे ने आजादी दी है लेकिन वक्त के इमाम के गुलाम ही हो, ये बात ज़हन में रखिए। इस मुआशरे ने आपको आजादी दी, इमाम ने आजादी नहीं।
सीने पे मातम का निशान हो, पिए शराब, कोई ताल्लुक नहीं उसका हुसैन से। जाए यजीद के शजरे मलौना में। घर से मेरी बहन बेटी मजलिस के लिए जाए और सर पे चादर ना हो, खबरदार कहीं और चली जाए इमाम के घर ना। अच्छी दलील कायम कर दी गई है जी, चेहरा तो ये पर्दा तो देखने वाले की आंख में होता है। अच्छा, बंद कमरे में बगैर चादर के नमाज पढ़ के दिखाओ। क्या अल्लाह की आंख में पर्दा नहीं है? खुदा के सामने अगर बेपर्दा नहीं जाती मेरी बहने बेटियां, हो तो पर्दादार बनो, सैयदा की करीजे बनो। मेरे मौला फरमाते शियो हम शजरा तैयबा हैं, तुम हमारे पत्ते हो। दरख्त की पहचान पत्ते से होती है। पत्ता बता देता है कि दरख्त किस चीज का। इमाम फरमाते तुमने बताना है कि मौला कैसा है। गुनाह तुम करो, इजाम इमामत पे आ जाएगा। मौला फरमाते ऐसे जिंदगी गुजारो तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे अकीदे का दुश्मन हो, लेकिन वो भी अपने बच्चों को समझाए कि अगर ये शिया ना होता तो इससे अच्छा इंसान कोई नहीं। यानी तुम्हारी दुश्मनी की वजह सिर्फ अली हो। लोग तुम्हारी मिसालें दें, ये हुसैन का अदादार है, ये कभी झूठ नहीं बोलता। सारा दिन रिस्क में तलाश में रहते हैं, शाम को जब मजलिस इमाम बारगाह में आओ कोशिश किया करो एक दूसरे से मुसाफा करो, एक दूसरे से मिलो। मौला फरमाते दो मोमन खुश हो के जब एक दूसरे के गले मिलते हैं उनकी बाहें छोड़ने से पहले अल्लाह उनके गुनाह माफ करते हैं। भटकी हुई कौम नहीं, एक कौम की मिसाल दी जाए। बस मौजू तवील हो गया इसी मौजू पे इमाम की, क्योंकि मैं जरूरी समझता हूं इस दौर में इस मौला की तारफ बढ़ा। इमाम से मुलाकात करते हैं, पूरी निशानियां बताई हैं इमाम ने। हफ्ते वाले दिन मिलना हो तो मैं कहाँ मिलता हूँ, आतवार वाले दिन मिलना हो तो कहाँ मिलता हूँ। जो इमाम अपना एड्रेस बता के गया हो और फिर भी बंदा ना ढूंढे, फिर बेखबर मौला नहीं हम हैं। एक शख्स ने तौकियात में पूछा था, मौला आप मिलने क्यों नहीं आते? इमाम ने फरमाया हम तो आते हैं तुम पहचानते हो। मौला कब आते हैं? फरमाया तुम रोते रोते चुप हो जाते हो, कभी सोचा है तुम्हें चुप किसने करवाया? हम तुम्हारी खुशियों में आते हैं, हम तुम्हारी गमियों में आते हैं, हम बेखबर नहीं। और इमाम फरमाते जब इमाम जाहिर होंगे हर शिया ये कहेगा कि मैंने तो आपको कहीं देखा हो। वक्त के इमाम की मारिफत करो, आज भी पर्दा गैबत में लहू हो रहा। ज़ियारत आशूरा में हर ज़ियारत में दुआ करते हो काश हम करबला में होते, करबला में ही हो। हुज्जत आज फिर पुकार रही है, हल मिन्ना सरीर, कोई है जो दीन मोहम्मद पे मेरी नुसरत करेगा। नौजवानों के लिए एक जुमला कहूंगा, तुम्हें मौला की इज्जत का वास्ता, भाई समझ के सुनना, बेटा समझ के सुनना, दोस्त समझ के सुनना, ना जिंदा रहूं नसीहत समझ लेना, किसी भी चौक में सैयदों की वकालत करता हुआ मारा जाऊं इस जुमले को वसीयत समझ जाना, पूरी तकरीरें भूल जाना, ये जुमला कभी ना भूलना। हर अमल करने से पहले अपने हुज्जत को याद रखना। मौला फरमाते तुम गुनाह करके सो जाते हो, मैं सारी रात मलाइका कहते हैं मौला गुनाह लिखे, फरमाया ना लिखना नहीं, हो सकता है ना करे। तुम गुनाह का इरादा करते हो, इमाम कहते हैं मैं तड़पना शुरू कर देता हूं, मैं चाहता हूं तुम गुनाह ना करो, लेकिन जब तुम गुनाह कर लेते हो मेरी आंखों से खून आ जाता है। मलाइका कहते हैं मौला लिख ले, फरमाया रुको शायद माफी मांगे। इमाम फरमाते तुम गुनाह करके सो जाते हो, मैं तुम्हारा इमाम सारी रात तुम्हारे लिए होता हूं। इतना बाखबर तो बाप भी नहीं होता, इतनी बाखबर तो मां भी नहीं होती जितना हमारा मौला हमसे बाखबर। आज भी पर्दा गैबत में लहू, रोज कहता मेरे अल्लाह मुझे इतने से हूर दे, मैं जमाने से जाके पूछूं मेरी दादियों का कसूर क्या। ऐसे दरवाजे बंद हो गए आज तक, सैयदों की कब्रें भी एक जगह पे नहीं बनी।
हर खानदान का उसूल होता है कि हमारी कब्रें एक जगह पे। रोती आंखों के साथ दुआ मांगिएगा, मैंने वतन वापस जाना है, मुश्किलात भी हैं, कोई जाति मेरी दुश्मनी नहीं। 70 दफा मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुआ हूँ, तो सिर्फ बीबी की वकालत की गवाही के लिए पेश हुआ। मेरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है, दुआ कीजिएगा मेरा मालिक मुझे वहां भी सबकत फरमाए, की वकालत का मैं हक अदा कर सकूं। जितने सांस हैं मेरी आका जाली मुझसे अपनी वकालत ले, हम नहीं होंगे तो कोई और आ जाएगा। ये अजा नहीं रुकनी, ये बीबी का मिशन नहीं रुकना। हमारे जैसे लाखों कुर्बान हो गए लेकिन सैयदा की वकालत जिंदाबाद है। आज भी पर्दा है गैबत में नूर हो रहा है और पूछ रहा है कि मैं दादियों का जुर्म पूछना चाहता हूँ। कल यहाँ से गुफ्तगू खत्म की थी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मुसाइब कम करूँ, लेकिन मुझे खुद इश्क है मुसाइब से, क्योंकि जो शाम से आई है वो मेरी तकरीर सुन रही है, वो आलिमा गैर मुअल्लिमा है, वो अपने घर के फजीलत से बड़ी वाकिफ है, वो ना आपके नारे सुनने आई थी ना मेरी तकरीर सुनने आई थी, वो शाम से बैठी है कि कोई मेरे हुसैन को रोए, कोई मेरे हुसैन का टीका करे। उस बीवी को प्यार है मुसाइब से, अल्लाह जाने ये जिंदगी की आखिरी मजलिस को दोबारा आ सके या ना आ सके। जुमला याद रखना, बस दो जुमले मुझसे सुन लेना। कल मैंने पढ़ा था कि जब करबला में भाइयों से मिलने आई, फिर मेरी शहजादी की सैयद हालत क्या थी। आज सुनना, जब नाने से मिलने के लिए, फिर मेरी आका दादी की हालत क्या थी। यही ऊंट करबला से चले, मदीना पहुंच गए, मदीना दूर से नजर आया, जनाब उम्मे कुलसूम का नुहा आज भी किताबों में लिखा है, बीबी का नाना का मदीना हमें कबूल है, हम कुछ में रहने की काबिल नहीं हुई, अब हम मदीने की शहजादियां नहीं, हम शाम की कैद नहीं। या मदीना तो जद्दो ना ला तक मदीना, ला तक मदीना, नाना का मदीना हमें कबूल ना कर। अक्सर मुझसे फजीलत और इलम में बड़े हैं जाकरीन, मैं सबकी इज्जत करता हूँ, वो पढ़ देते हैं कि बीबी ने पूछा सजाद ये कौन सा शहर, आलिमा गैर मुअल्लिमा है मेरी शहजादी, पता था बीबी को मदीना है। एक बात बीबी ने कही है जो तारीख में, बीबी ने कहा सजाद ये मदीना है, हाँ मां ये मदीना है, बीबी रो कहती पहली बार मैंने बाहर से देखा सजाद, में मदीने की बैरूनी दीवारों से वाकिफ नहीं थी, 28 रजब को गई थी तो अब्बास के पहरे पे गई, आज पहली बार मैंने मदीना बाहर से देखा है। अच्छा सजाद मुझे बता कब्र रसूल कहाँ पे है, फरमाया वो सामने है रोजा रसूल का। अलावा मजलसी ने बिहार की चौथी जिल्द में बीबी का लोहा लिखा है, मैं वो लोहा आपको सुनाना चाहता हूँ, शायरों के लिखे हुए लोहे पे मातम करते मेरी शहजादी का लोहा सुन। मदीना में सदा दाखिल नहीं हुए बशीर इब्ने जज़लम, जज़लम का बेटा था, बाप भी शायर था, बेटा भी शायर है, आले मोहम्मद की मिधा में मिधत में अशआर लिखता था। बशीर मदीने में दाखिल हुआ, बशीर ने सैयदी मदीने के मरकजी चौक में जाके ऐलान किया, इसने कहा या अहले मदीना कद कुतल हुसैन बिलर्ज करबला, और मदीने वाला हुसैन मारा गया, अब मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, मदीने वाले सैयद उजड़ गए, मदीने के सरदार लुट के वापस आ गए। बशीर ऐलान भी करता जा रहा था, रोता भी जा रहा था, बशीर ऐलान भी करता जा रहा था, मातम भी करता जा रहा था, एक दरवाजे के सामने से बशीर का घोड़ा गुजरा, पर्दे के अंदर से आवाज आई बशीर कौन मारा गया, बशीर देखा बीबी मदीने वाला हुसैन मारा गया, उस बीबी ने अपने घर का पर्दा उठाया, तरी कभी सर से लेकर पांव तक चादर में लिपटी हुई थी, हाथ में उस बीबी की असा था, झुकी हुई इस बीबी की कमर थी, आके बशीर के घोड़े की लजाम में हाथ डाल के शर्म कर मेरे दरवाजे के आगे ना गए कि मेरा हुसैन मारा गया। बशीर ने घोड़े की जीप छोड़ी, बशीर बीबी मन अंत तू कौन है, पर्दा कर मैं अब्बास की माँ उम्मत बनी, अब्बास की माँ का नाम आना था गाजी के वरी, तो बशीर ने जल्दी से पर्दा किया, रो कहता बीबी अपने अब्बास का पुरसा लीजिए, बीबी आपको अब्बास की ताजियत हो, रो कहता बशीर मेरा अब्बास मारा गया, हाँ बीबी आपका अब्बास मारा गया, रो के बीबी कहती बता जुमला सुनिएगा बात में, बीबी ने रो के कहा बशीर मुझे बता मेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी, बशीर ने कहा बीबी मैंने सुना है लाखों ने तेरा गाजी घोड़े से गिरा दिया, रो कहती मैं नहीं मारती लाखों से गाजी नहीं गिरता, मुझे बता
गिरा, बाल घोड़े से गिरा। अब्बास को जरब कहां लगी थी? बीबी तेरे अब्बास के माथे में गुर्द लगा था। लोग कहती मैं नहीं मानती, अब्बास जंगों के तरीके जानता था, अब्बास अली का शागिर्द था। जब अब्बास के माथे में गुर्द लगा, अब्बास ने हाथ से गुर्द रोका क्यों नहीं? रसूल रोक रहे, बीबी हाथ होते तो रोकता, तेरे तो नाजी में हाथ ही नहीं थे। लोग कहती अब मैं मान गई, हुसैन भी मारा गया, जैनब भी कैद हो गई। अब मैं मान गई हूँ बशीर, हुसैन मारा गया, जैनब कैद हो गई। तो जुमले सुनिए, मदीने की गलियों में मनाली शुरू हुई, मदीने के जवान बशीर के घोड़े के गिर्द इकट्ठे हुए। जवान आगे पूछते बशीर अकबर आया है? बूढ़े पूछते हैं हुसैन आया है? बशीर रो के कह रहा ना अकबर आया है, ना अब्बास आया है, ना हुसैन आया है। मुझे जुमला माफ कर देना, मदीने की बच्चियां बाजार में आई, बशीर के घोड़े के आगे छोटे छोटे हाथ जोड़े रो के दी हमें बता सकीना आई है कि नहीं आई? हुसैन की बेटी वापस आई है। बस दो मंजर सुन लेना, दो मंजर सुनना। अल्लाह हर बहन के भाई को सलामत रखे, इन रोती आंखों के सदका अल्लाह हर भाई को, बहन का नसीब नेक होता हुआ रहे। इधर मेरी आका जादी रोजा रसूल पे चली या जनाबे इमाम जैनुल आबिदीन उस रस्ते पे आके बैठ गए जो रास्ता मदीने से आता था। चौथे इमाम के साथ पांच रहे। थोड़ी देर के बाद मदीने की गलियों में मोहम्मद बिन हंसिया की आवाज है, मदीने वालों पर्दा करो, हुसैन की बेटी घर से बाहर आने लगी है। मदीने में पर्दा, हुसैन की शहजादी जनाबे फातिमा सुग्रा सर पे सैयदा ज़हरा वाली चादर तकलीफ, इर्द गिर्द कमीजों का हल्का, आगे आगे मोहम्मद बिन आले मोहम्मद के इस्तकबाल के लिए। यह कनीज ने मेरी शहजादी को रोक दिया। रोना आपके इख्तियार में नहीं, हाय इख्तियार में, कोशिश कीजिएगा आंसू ना आए, हाय जरूर कहिएगा कि उस गरीब का गम है जिसमें रोने वाली शक्ल बनाने से भी जन्नत वाले। एक कनीज ने कहा बीबी रुकिए, रस्ते में कोई मुसाफिर रहता है। मैंने तो पढ़ लिया मुसाफिर, शहजादी रुकिए, रस्ते में कोई मुसाफिर है, इस मुसाफिर को रस्ते से हटाने दीजिए। कनीज करीब आई, मेरे चौथे इमाम के पुश्तियों पर खड़ी, कहती मुसाफिर रास्ता छोड़िए, हमारी आका दादी आ गई। मेरे मौला सजाद का जिसने अगला जुमला सुन लिया वो सारी रात रोएगा। मेरे मौला रो के कहने लगे मुद्दत के बाद अपनी मर्जी से बैठा, अल्लाह ताला ने कौन सी है जो तुम्हारा मजाक कर गया, मुद्दत के बाद अपनी मर्जी से बैठा, मेरे पैरों के जख्म मुझे उठने नहीं देते। अपनी आका दादी से कह मैं पर्दे का बड़ा वाकफ हूँ, मैं हाथों का पर्दा बनाता हूँ, तू गुजर जा। इतना जुमला कहना था, कनीज कहती कैसे गुजारू, वो अब्बास की भतीजी है, अब्बास का नाम आने पर सरकार ने तलिया जमीन पर रखी। मेरे मौला उठ के खड़े हुए, फरमाया किसकी भतीजी है? फरमाया अब्बास की भतीजी। पीछे से बीबी सुगरा की आवाज आई, कनीज को बैठा रहने दे, इसका लहजा मेरे सरकार ना उठा, ये बोलता मुझे मेरा सरकार कैसी गुर्बत थी, सगी बहन पलता करके गुजरी, सातवें कदम पे गई थी मेरे आका की बेटी। मेरे पांचवें बादशाह उठे, रो के कहा बाबा करबला से लेके मदीने तक बाकिर ने आपसे सवाल नहीं किया, बाबा मेरी सेख आइश, बाबा इजाजत दे मैं फुप्पी को बता के आऊं। मौला ज़ैनुल आबिदीन ने इशारा किया, कनीजों के हसार में जनाबे बाकिर दाखिल हुए, जनाबे फातिमा सुगरा की चादर पे हाथ रखा। बीबी ने मुड़ के देख के कहा शहजादे बच्चे तुझे नहीं पता मैं हुसैन की बेटी हूँ, जब तक तुझे नहीं पता मैं हुसैन की बेटी हूँ। जनाबे बाकिर के सर पे करबला की रेत थी, फटा हुआ कुर्ता था, हाथों में काले निशान थे, आवाज आई फुप्पी हमें क्यों नहीं पहचानती? मुझे फुप्पी कहने वाला तू कोई हुसैन के सरकार का बाकिर है? फरमाया मैं तेरा बाकिर हूँ। फरमाया अगर तू बाकिर है बता तेरा बाबा सरकार
बंदों की इजाजत मिले। बीवी की आवाज है सजाद तुझे जवाब भेजा था, तेरे सर के बाल सफेद क्यों हो गए? मैं मुलाकात नहीं कर सकता, मैं मोहम्मद बिन हनफिया की मुलाकात नहीं सुना सकता। जब जनाब मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा सजाद मुझे सीने से लगा, बीवी का मुजरम बनू, जनाब सजाद मोहम्मद के गले लगे, मोहम्मद के लिबास में खून के छीने आ गए, मोहम्मद की आवाज है सजाद अपने बटन खोल, मौला सजाद ने सीना दिखाया, फरमाया सजाद ये निशान कैसा, फरमाया जो मेरे गले में तोप था उसके अंदर लोहे की बर्फीला लगी। चचा मोहम्मद शाम के बाजार में जब मेरी जंजीरें खींचते बर्फीला सीने में, इंसानी ताकत है, इंसान थक जाता। जिन आंखों ने अभी तक इबादत नहीं की, मैं उन आंखों को दावत देने लगा, कोशिश करना, आज से एक आंसू जरूर। अल्लामा मदरसी बिहार के चौथी जिल्द में लिखते, मेरी आका दादी रोजा रसूल पे गई, मेरी शहजादी रोजा रसूल पे गई, आपने हाथ जोड़ दिए, मैं जुमला नहीं पढ़ा, छुपा दिया मैंने जुमला, शहजादी चल के गई नहीं, बीबी कैसे गई? किताबें लिखती ऐसे बीबी गई है जैसे अकबर की लाश पे हुसैन। मेरी आका दादी पहुंची रोजा रसूल पे, रोजा रसूल के दरवाजे पे हाथ रखा, काफी देर तक कब्रे पैगंबर को देखती रही, कब्रे पैगंबर को देखते देखते मेरी आका दादी ने उकसार से पहला जुमला कहा, पहली लोहे की सतर पड़ी, मातमियों को मातम की दावत देने लगा, बीबी ने लोहे की पहली सतर पड़ी, बीबी ने रोजा रसूल कब्रे रसूल को देखा। काफी देर खामोश रहने के बाद बीबी ने बोल के कहा, बीबी का नाना 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 कब्र से बाहर निकल के पहचानिए मैं वही रहने को। बीबी ने दूसरी सतर पड़ी, बीबी रो कहती नाना तेरी अजान बच गई मेरा मोह सनमारा, बीबी ने तीसरी सतर पड़ी, बीबी रो की कहती नाना तेरी नमाज बच गई मेरा नमाजी करबला में सो गया। चौथी सतर पढ़ने से पहले मेरी आका दादी ने गठरी खोली, गठरी से हुसैन का तीरों वाला कुर्ता निकाला, कुर्ता निकाल के कब्रे मोहम्मद पे खड़ी हुई, रो के कहा नाना पहचान ये उसी हुसैन का कुर्ता है Hussein.
हुसैन या 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 हुसैन बाजार बड़ी
नाजादी पली, तू है नाजादी पली की वे दरबार गई, मेरे दाबे ते अली तेरी नाजादी पली। सारे बोलो जी माशाल्लाह। Thank you.
Oh,
وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت
فی سبیله حتى اتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله امه سمعت بذلك فرضيت منه اللهم اني اشهدك اني ولي لمن والاه عدو لمن عاداه بابي انت وامي يا ابن رسول الله اشهد انك كنت نورا في الاسقام الشامخه والارحام المطهره لم تنجس لم تنجس كان جاهليه لانجاسها ولم تلمس المدلهمات من ثيابها واشهد انك من دعائم الدين واركان المسلمين ومعقل المؤمنين واشهد انك الامام البر التقي القضي الزكي الهادي المهدي واشهد ان الائمتين من ولدك كلمه التقوى واعلام الهدى والعروه الوثقى والحجه على اهل الدنيا واشهد اني بكم مؤمن وبايامكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلب لقلبكم سين وامر لامركم متبع ونزلت لكم معدته حتى ياذن الله لكم ومعكم معكم لا ومع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى رواحكم وعلى جسادكم وشاهدكم وغائبكم وطاهركم وباطنكم امين رب العالمين السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس ايها المدفون بارض الدوس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الامان الامان من الفتن الزمان السلام عليك يا شريك القران عجل الله تعالى فرجا وسهل الله مخرجا وجعلنا من انصار واعوانه جميعا ورحمه الله وبركاته اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة